हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में हम बहुपद भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में एक टॉपिक है, वो है फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किस तरह के पॉलिनोमियल या फिर किस तरह के बहुपद का आपको गुणनखंड या फिर फैक्टर्स फाइंड करने हैं, वो आपके पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। पहले सब चीजों का मतलब समझ लेते हैं। ये आपको जो दो चीज दिखाई दे रही हैं, ये आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये दोनों क्या है, पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बहुपद। तो दोनों ही वर्ड का यूज करूंगा मैं यहां पर। तो अब आप देख सकते हैं सबसे पहले कि ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है, इसमें x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है। सबसे बड़ी पावर देखनी है हमने, इससे छोटी पावर तो 2 है, उससे छोटी पावर 1 है। तो बाकी पावर्स को नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है कि सबसे बड़ी पावर कितनी है। सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3। तो हम कहेंगे कि जो ये वाला पॉलिनोमियल है, इसकी जो डिग्री है वो है 3, जिसको हिंदी में हम कहते हैं घात। तो इस वाले बहुपद की घात कितनी है, 3। ये सबसे पहला काम है, आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि डिग्री 3 है, घात 3 है, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है, इसके कुल 3 फैक्टर्स होंगे, 3 गुणनखंड होंगे। तो हमें वही 3 फैक्टर्स फाइंड करने हैं, वही 3 गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब वो गुणनखंड जो है ज्ञात करने का एक तरीका होता है, वो अलग तरीका है, कैसे करेंगे उसको वो हम यहां पर समझने वाले। तो उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले ध्यान से समझेंगे। पहले ये जो पूरा बहुपद है, ये जो पूरा पॉलिनोमियल है, इसको मैं अपनी तरफ से अभी के लिए एक नाम दे देता हूं, पीएक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30। पहला काम तो मैंने उसको नाम दे दिया, ठीक। इसके बाद का स्टेप क्या होता है, इसके बाद का स्टेप ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो बहुपद है, इसमें लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट का नंबर क्या है, वो देखो 30 है। और स्टार्टिंग में ये जो x³ आपके पास है, इसका कोफिशियंट कितना है, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणांक। तो x³ का गुणांक कितना है, 2। तो ये जो लास्ट के नंबर हैं और जो पहला वाला नंबर है, आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। सबसे पहला काम, आप मल्टीप्लाई कर लें दोनों को, रफ में कहीं पर मल्टीप्लाई कर लें। तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को और 2 को, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 60। ठीक है, अब ये जो आंसर 60 आया, इसका क्या करें हम। अब आपको ये देखना है, ये जो 60 है, ये किस किस के टेबल में आता है, मतलब कौन कौन से जो नंबर हैं जिनके पहाड़े में ये आता है 60। तो अब 60 स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल छोटे से, सारे के सारे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत के आप लिख लो। तो कोई भी जो नंबर है, पहले तो वो 1 के टेबल में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, और 1 के टेबल में आता है तो इसका मतलब है 1 के माइनस 1 के टेबल में भी आएगा वो। इसी तरीके से जो 60 है वो 2 के टेबल में अभी आता है, टेबल मतलब 2 से भी डिवाइड हो सकता है, तो माइनस 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, माइनस 3 से भी डिवाइड हो सकता है, ऐसे बहुत सारे नंबर हमारे पास है। 4 से भी डिवाइड हो सकता है, माइनस 4 से, 5 से डिवाइड हो सकता है, माइनस 5 से, 6 से डिवाइड हो सकता है, माइनस 6 से। पर इतना नहीं जाना है आपको, किसी भी क्वेश्चन में इतना नहीं जाना है, मैक्सिमम आप 3 तक देखो कि वो जो नंबर है वो 3 तक के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब अगर कोई नंबर 1 के टेबल में आ रहा है तो ध्यान रखना माइनस 1 भी लिखना जरूरी है, 2 के टेबल में आ रहा है तो माइनस 2 भी लिखना जरूरी है, 3 के टेबल में आ रहा है तो माइनस 3 भी लिखना जरूरी है। तो जिसके टेबल में आ रहा है उसका नेगेटिव नंबर भी लिखना जरूरी है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ये हमारे पास पहला स्टेप क्या था, इस वाले पॉलिनोमियल को आपने px नाम दे दिया। दूसरा स्टेप क्या था, x³ का जो गुणांक है, जो कोफिशियंट है, उसको मल्टीप्लाई किया लास्ट वाले नंबर से, जो कि हमारे पास कितना आया, 60। इस 60 का हमने क्या करना था, ये 60 जिस जिस के टेबल में आता है हमने वो टेबल लिख ली। अगर इसके बहुत सारे फैक्टर्स बन रहे हैं, इसके बहुत सारे गुणनखंड बन रहे हैं, तो सबको लिखने की जरूरत नहीं है,
कुछ एक लिख दो बस, थ्री तक लिख दो बस, ठीक हो गया। अब क्या करना है ध्यान से सुनना, अब सबसे पहला जो नंबर है वो क्या है, वन, क्योंकि 61 के टेबल में आता है, इसलिए हम कहेंगे कि 1 जो है 60 का फैक्टर है, 60 का गुणनखंड है। 60 जो है -1 के टेबल में आता है, तो हम कहेंगे -1 60 का फैक्टर है, 60 का गुणनखंड है। 2 के टेबल में 60 आता है, इसीलिए 2 भी 60 का फैक्टर है, 60 का गुणनखंड है। इसी तरीके से सारे, तो सबसे पहले ये जो 1 है ना, इस 1 को जहां जहां यहां x दिखाई दे रहा है वहां वहां हम ये 1 को एक बार रख के देखते हैं। तो रख के देखने के बाद हम क्या करेंगे वो अभी मैं समझाऊंगा, पहले हम 1 को हर जहां जहां x है वहां वहां रख के देखते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, x की जगह पे क्या रखने वाले हैं, 1। हर क्वेश्चन में यही वाले स्टेप्स फॉलो करने। सबसे पहले काम ये क्या है, यहां 1 रखो, यहां 1 रखो, यहां 1 और यहां 1, तो देखो क्या बनेगा। इसकी जगह आपने रख लिया 1, ठीक हो गया, इक्वल टू ये क्या है 2 मल्टीप्लाई, इसकी जगह आपने रखना है 1, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब। फिर ये माइनस का माइनस उतार दो यहां पर, फिर ये है 3 उतार दिया, बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई। अब ये जो x दिखाई दे रहा है इस x की जगह क्या रखना है हमने 1 रखना है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा देना है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 17 बीच में है मल्टीप्लाई, इस एक्स की जगह हमने रख लिया 1 और लास्ट में क्या है प्लस 30। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 2 को 2 उतार दो, 1 का क्यूब, 1 के क्यूब का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, जो कि कितना आता है 1 आता है, तो 1 का क्यूब कितना हो गया 1 हो गया, माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर हो गया 1 माइनस 17 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 17 और लास्ट में क्या है प्लस 30। अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 2 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो ये आ गया 3 माइनस 17 प्लस 30। अब इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, मैं तो इसलिए डायरेक्टली इसका आंसर बताता हूं। 2 माइनस 3 होता है माइनस 1, माइनस 1 माइनस 17 होता है माइनस 18 प्लस 30, तो चेक कर लेंगे आपकी 12 आ रहा है आपका आंसर, ये आप चेक कर लेंगे। अच्छा, ये जो 12 आ रहा है इसका मतलब क्या है, अगर ये x की वैल्यू 1 पुट करने पर आपका आंसर 0 आया होता तो हम कहते हैं कि x इक्वल टू 1 इसका क्या है शून्यक है, हिंदी में कहते हैं शून्यक और इंग्लिश में कहते हैं 0 है। अगर x इक्वल टू 1 पुट करने पर आपका आंसर 0 आया होता तो हम कहते हैं कि ये इसका क्या है शून्यक है, इसका 0 है, पर नहीं आया ना आपका आंसर, आपका आंसर 0 नहीं आया, तो हम सीधे यहां लिख देंगे कि x इक्वल टू 1 पी एक्स का, क्योंकि इस पूरे का नाम पी एक्स दे रखा है, पी एक्स का शून्यक नहीं है। अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे वो आप इंग्लिश में लिखेंगे, x इक्वल टू 1 इज नॉट द जीरो ऑफ द पी एक्स, ठीक है। तो अगर मैं ये 1 को यहां ले आऊं तो यहां है प्लस 1, तो यहां आकर क्या हो जाएगा ये माइनस 1 इक्वल टू 1 की जगह क्या हो गया 0, तो क्योंकि 1 इसका 0 नहीं है, इसका शून्यक नहीं है, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर भी नहीं है, इसका गुणनखंड नहीं है, तो हम लिख देंगे x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। यह समझ में आ गया होगा। जैसे ही हमें पता लग जाता है कि भाई x इक्वल टू 1 इसका 0 नहीं है, इसका शून्यक नहीं है, और फिर हमें पता लगता है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं है, इसका गुणनखंड नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, फिर हम पुट करेंगे माइनस 1। अब माइनस 1 पुट करेंगे इस जगह, ठीक हो गया, और फिर माइनस 1 पे भी चेक करेंगे कि जो माइनस 1 है इसका शून्यक है या नहीं है, इसका 0 है या नहीं है। ये तरीका होता है करने का, पर हर क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं होता। तो अब हम क्या पुट करेंगे माइनस 1, देन क्या पुट करेंगे हम 2।
अब माइनस वन को मैं फटाफट पुट करके दिखाता हूं आपको, ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। स्टेप बाय स्टेप को आप चेक करें, अगर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को वहीं पर पॉज करें, बैक जाएं और फिर से वीडियो को देखें। अब हमें इस पूरे पॉलिनोमियल में, इस पूरे बहुपद में क्या पुट करना है, हमें पुट करना है आप x इक्वल टू माइनस वन और चेक करना है कि लास्ट में मेरा आंसर जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैसे करेंगे? तो जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां वहां हम क्या कर देते हैं, माइनस वन रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा p माइनस वन इक्वल टू, फिर है टू मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, तो इसका मतलब हो गया टू मल्टीप्लाई माइनस वन का क्यूब। फिर उसके बाद क्या है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो ये जाएगा माइनस थ्री माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि मुझे x की जगह माइनस वन रखना है। फिर ये है माइनस सेवनटीन एक्स, माइनस सेवनटीन और x की जगह माइनस वन, और लास्ट में मेरे पास क्या है, प्लस थर्टी। अब देखें, टू की जगह तो टू कॉपी कर दिया, माइनस वन का क्यूब मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूं क्या होता है, आप याद रखें, वो होता है माइनस वन। माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन का स्क्वायर भी मैं बहुत बार बता चुका हूं, वो होता है आपके पास वन माइनस। अब ये देखो, 17 के आगे माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस कट जाएंगे, तो फिर यहां पर कौन सा साइन आएगा, प्लस। 17 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो 17 आ गया, ये हो गया प्लस 30, यहां तक समझ में आ गया होगा। 2 को अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आंसर माइनस 2, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 3, लास्ट में 17 और 30 है, उतार दिया। अब इसको आप खुद सॉल्व करके देखोगे, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं, माइनस टू माइनस थ्री हो गया माइनस फाइव, माइनस फाइव प्लस सेवनटीन हो गया 12 और 12 प्लस 30 हो गया 42। फिर भी आप अपनी तरफ से एक बार चेक करके देख लेंगे कि इतना ही आ रहा है। तो अब देखें, हमारा आंसर फिर भी जीरो नहीं आया, तो जीरो नहीं आया तो फिर क्या लिखेंगे आप और क्या करेंगे आप? तो आप लिखेंगे कि एक्स इक्वल टू माइनस वन जो है पी एक्स का शून्यक शून्यक नहीं है, ये लिखेंगे आप, ठीक। अब माइनस वन को अगर मैं यहां लेके जाता हूं तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वन पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। अब जरा इंग्लिश में देख लें इसका क्या मतलब है, क्योंकि तुमने एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट की और आपका आंसर जीरो नहीं आया, कुछ और आया, तो ऐसे केस में हम लिखेंगे कि जो माइनस वन है इस वाले पॉलिनोमियल, इस वाले बहुपद का शून्यक नहीं है, जीरो नहीं है। तो इंग्लिश में लिखेंगे एक्स इक्वल टू माइनस वन इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। अब माइनस वन को जब यहां लेके जाएंगे तो हमें क्या मिल गया, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो भी लिख लेता हूं, तो x प्लस वन, क्योंकि माइनस वन उसका जीरो नहीं है, उसका शून्यक नहीं है, तो x प्लस वन उसका फैक्टर नहीं है, उसका गुणनखंड नहीं है, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे x प्लस वन इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। यहां तक समझ में आ गया? जब तक आपका आंसर जीरो नहीं आता है तब तक आपको पुट करते चलना है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, यह आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद क्या पुट करना था, हमने मैंने क्या क्या 60 के क्या क्या फैक्टर्स दिखाए थे, क्या क्या गुणनखंड दिखाए थे, माइनस वन दिखाया था, वन दिखाया था, देन टू दिखाया था, तो अब टू पुट करेंगे, तब तक करना है जब तक आपका जीरो ना आ जाए। तो एक्स इक्वल टू टू पुट करते हैं। अब जहां जहां आपको एक्स दिखाई दे रहा है वहां वहां आप ये टू पुट कर ले, तो ये हो जाएगा पी टू, टू की जगह टू मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे यहां पर, 2 की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई, इसकी जगह क्या रखेंगे हम, 2 का स्क्वायर माइनस 17 मल्टीप्लाई, इसकी जगह 2 प्लस 30, ठीक हो गया। 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 जो कि होता है 8, ठीक हो गया। तो इसकी जगह तो हम रख लेंगे 8, 3 का 3, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4,
माइनस का माइनस, 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 34 प्लस 30, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 16, माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 12, माइनस 34 प्लस 30। अब 16 माइनस 12 होता है प्लस 4, माइनस 34 प्लस 30 होता है माइनस 4, और हमारा आंसर कितना आ गया 0, और यही लाना था हमने, 0 ही लाना था, तो फाइनली 0 आ गया। तो 0 आने के बाद अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, हमें क्या करना है, अब हमें ये लिखना है। पहले तो पहला काम हमारा ये है, क्योंकि 2 पुट करने पे, 2 को यहां पर पुट किया तो आपका आंसर 0 आ गया है, तो हम लिखेंगे कि x इक्वल टू 2 px का शून्यक है। पहले तो ये लिखेंगे शून्यक है, पहला काम ये। अब इसको अगर यहां ले आए तो प्लस 2 यहां कर क्या हो जाएगा माइनस 2, तो हम लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0 px का गुणनखंड है। अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम, x इक्वल टू 2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px, और नीचे क्या लिखेंगे x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ px। समझ में आ गया, पहला ये चीज हमें करनी थी। अब देखो मैंने माइनस 1 तो पुट किया, इससे पहले मैंने 1 पुट किया था, तो अगर तुम्हें डायरेक्टली पता है कि 2 को पुट करने पे आपका आंसर 0 आ जा रहा है, तो डायरेक्टली आप 2 ही पुट कर लो, इतना लंबा आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो जिनको नहीं पता, जिन बच्चों को नहीं पता डायरेक्टली, वो सॉल्व करके नहीं देख सकते, अपने मन में सॉल्व करके नहीं देख सकते, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ऐसे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। और जो डायरेक्टली ये पता लगा पाए कि भैया इस वैल्यू को पुट करने पे, एक्स की इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे मुझे आंसर 0 मिल रहा है, तो डायरेक्टली वही पुट करो ना। तो अगर तुम्हें पहले से पता था कि x इक्वल टू 2 पुट करने पे मुझे आंसर 0 मिलता है, तो माइनस 1 भी पुट करने की जरूरत नहीं थी, 1 भी पुट करने की जरूरत नहीं थी। तो क्या यहां पर ये आंसर खत्म हो चुका है? नहीं, इसके कितने फैक्टर्स निकालने थे, स्टार्टिंग में पूछा था मैंने, स्टार्टिंग में बताया था मैंने कितने फैक्टर्स निकालने हैं, क्योंकि इसकी डिग्री है 3, घात है 3, तो इसके जो टोटल फैक्टर्स निकलेंगे वो निकलेंगे 3, जिसमें से एक फैक्टर हम ये निकाल चुके हैं, क्या है x माइनस 2। तो अब कितने फैक्टर्स रह गए, 2 फैक्टर्स और रह गए, तो उन 2 फैक्टर्स को निकालने का तरीका अब हमारे पास अलग होगा। ठीक हो गया, वो तरीका क्या होगा वो आप देखते रहेंगे, सामने आपको पता चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले इन सबको इरेज कर देता हूं, ये आप नोट करते चलेंगे, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन इससे आपको समझने में आसानी मिलेगी। हाँ, इसके बाद क्या करना है ध्यान से देखेंगे, मैं सब रब कर देता हूं, ध्यान इसको ध्यान रखना x माइनस 2। ठीक हो गया, अब क्या करना है, आपके पास एक गुणनखंड आ गया, एक फैक्टर आ गया x माइनस 2। अब ये जो x माइनस 2 से इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या करना है, डिवाइड करना है, जो तरीका होता है डिवाइड करने का वो करना है। तो ये हमारे पास है 2x क्यूब माइनस है 3x स्क्वायर माइनस है 17x। ये स्टेप्स आपको हर स्टेप के क्वेश्चन में फॉलो करने ही हैं। चलिए सबसे पहला काम क्या करना है, ध्यान सुनो, इस तरह के डिवीजन जब आप करते हो तो आप पहाड़े पढ़ते हो, तो यहां पर x दिख रखा है तो मतलब हमें x का पहाड़ा पढ़ना है, पर x का पहाड़ा तो ही ना आता है हमें, तो उसका एक तरीका है। अब वो तरीका क्या है वो आप देखो, यहां पर ये लास्ट ये क्या लिखा हुआ है 2x क्यूब और पहाड़ा किसका पढ़ना है x, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 2x क्यूब आ जाए, तो उसका तरीका क्या होता है, स्टेप क्या होता है, आप स्टेप याद रखें। सबसे पहला काम होगा, ये 2x क्यूब दिखाई दे रहा है, ये 2x क्यूब दिखाई दे रहा है, इसको ऊपर लिखो और जिसका पहाड़ा पढ़ना है इसको नीचे लिख दो, पहला काम। अब ऊपर कितने x हैं 3, नीचे कितने हैं 1, काट दो तो कितने बचे ऊपर 2, तो आंसर आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर। ये समझ में आया, अब इसका क्या करना है, इसका ये करना है, हम बोलेंगे कि x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो 2x क्यूब आ रहा है, मतलब अब x का जो पहाड़ा पढ़ना है वो आसान हो गया, x 2x स्क्वायर जा 2x क्यूब। अगर तुम खुद ही x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके देखो तो देखो यही आ रहा है, 2x क्यूब आ रहा है। ये समझ में आ गया होगा। अब
एक्स के बगल में है माइनस टू, तो ये माइनस टू का क्या करना है, इसको भी इसी से ही मल्टीप्लाई करना है। करके दिखाता हूं, माइनस टू को आपको टू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो देखो, टू को टू से किया तो कितना आया, फोर। इस पूरे में एक्स स्क्वायर भी है, लगा दिया। इस पूरे में माइनस भी है तो माइनस भी लगा दिया। तो माइनस टू को टू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं माइनस फोर एक्स स्क्वायर। ये पहला स्टेप है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से पीछे जाओ और फिर से देखो इसको। अब इसके बाद एक लाइन खींचनी है आपने, फिर क्या करना है, अब इन दोनों को माइनस करना है। तो माइनस करने से पहले इसके आगे कौन सा साइन है आप वो देखो, इसके आगे का जो साइन है वो है प्लस, कोई साइन नहीं दिख रहा है तो प्लस। अब वो प्लस साइन प्लस नहीं रहेगा, वो हो जाएगा अब माइनस। इसके आगे का साइन क्या है, माइनस। अब ये माइनस नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, 2x³ माइनस 2x³ जीरो होता है तो ये कट गए, और हमेशा ही पहला वाला कट जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। ऊपर क्या है, मैं यहां पर दिखाता हूं, ऊपर है माइनस 3x², नीचे क्या है, माइनस नहीं है ना, ये बता चुका हूं, साइन बदल चुका है, माइनस नहीं है अब प्लस है। तो कैसे पढ़ोगे इसको, प्लस 4x² प्लस 4x², इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1x², ये समझ में आ गया होगा। तो ये आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1x², क्लियर हो गया। और बाकियों का क्या करें, बाकियों को उतार दो, बस ऐसे उतार दो, काम खत्म हो गया। अब फिर से वही जो अभी तक हमने ऊपर किया था, इस बार हमें क्या लाना है, 1x² लाना है, क्या करके, x का पहाड़ा पढ़ के। ठीक हो गया, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो 1x² है इसको ऊपर लिखो, इसको डिवाइड करो इस x से जो कि नीचे लिखा जाएगा, और उसके बाद इसको, ऊपर कितने x हैं, दो, नीचे कितने x हैं, एक, तो एक को काट दो। तो क्या आया आपके पास आंसर, 1x आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x को अगर मैं, क्योंकि इसके आगे का साइन प्लस है, तो x को अगर मैं प्लस 1x से मल्टीप्लाई करता हूं, प्लस 1x से, वन इसलिए लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, x को अगर मैं 1x से मल्टीप्लाई करता हूं, x को अगर मैं 1x से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे आंसर क्या मिलता है, 1x². तो इसका मतलब ये हो गया x 1x जा 1x². ठीक, अब x के बगल में क्या है, माइनस टू, माइनस टू को किससे मल्टीप्लाई करना है, उसको भी उसी से ही करना पड़ता है, प्लस 1x से। तो माइनस टू को 1x से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा माइनस 2x, ध्यान रखें क्या आएगा, माइनस 2x। तो माइनस टू को प्लस 1x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आएगा माइनस 2x। अब आप क्या करें, एक लाइन खींच लें जैसे ऊपर किया था, इसके बाद क्या करने के लिए कहा था मैंने, इसके आगे का साइन क्या है, प्लस। तो क्योंकि अब हमें दोनों को माइनस करना है तो हमें नीचे वाले के साइन बदलने पड़ते हैं, तो इसके आगे का साइन आगे क्या है, कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा है तो मतलब है प्लस। तो यहां पर कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस को बदल के कर दो माइनस, इसके आगे का साइन क्या है, माइनस, इसको बदल के क्या कर दो, प्लस। समझ में आ गया, अब ये तो पहली टर्म हमेशा कट जाती है, यहां पर भी कट जाएगी क्योंकि 1x² माइनस 1x² जीरो होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको हम लिखेंगे, क्या है ये, ऊपर है माइनस 17x, नीचे क्या है, नीचे माइनस 2x नहीं है, नीचे है प्लस 2x, तो प्लस 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 15x, खुद ही आप माइनस करके देखेंगे, तो यहां आ गया माइनस 15x और ऊपर प्लस 30 बचा तो इसको उतार दिया, ठीक हो गया। फिर से वही करेंगे जो अभी हमने ऊपर किया था, अब हमें x का पहाड़ा फिर से पढ़ना है, और क्या लाना है हमें, माइनस 15x। कैसे करेंगे, माइनस 15x को लिखो ऊपर, इस x को लिखो नीचे, दोनों को काट दो, तो आंसर कितना आ गया, माइनस 15 आ गया। ठीक है, क्योंकि एक x ऊपर है एक x नीचे है, कट जाएंगे तो आंसर कितना आ गया, माइनस 15। इसका क्या करें,
तो आप बोलोगे x माइनस 15 जा, x को माइनस 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया आपके पास माइनस 15x। करके देखो x को माइनस 15 से मल्टीप्लाई, x को माइनस 15 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 15x आता है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, x माइनस 15 जा माइनस 15x। इसका क्या करेंगे, इसको भी इसी से ही मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 15, ये हो गया हमारे पास 30, क्योंकि माइनस माइनस कट गए। तो माइनस 2 को माइनस 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, प्लस 30। लाइन खींचोगे, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस करने का तरीका ये है कि नीचे जो ये आपको बहुपद पॉलिनोमियल दे रखा है इसके साइन बदलने हैं। तो ये माइनस है तो हो गया प्लस, ये प्लस है तो हो गया माइनस। अब क्या होगा, माइनस 15x प्लस 15x जीरो होता है, खत्म। प्लस 30, प्लस 30 नहीं माइनस 30, तो प्लस 30 माइनस 30 क्या हो गया, ये भी खत्म, जीरो। तो आपके पास ये आंसर जीरो ही आना चाहिए, ठीक हो गया। हम क्या कर रहे थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसके तीन फैक्टर्स हैं, तीन गुणनखंड हैं। तो एक गुणनखंड तो हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया था x माइनस 2, ठीक। बाकी के दो गुणनखंड निकालने का तरीका ये था कि पूरे बहुपद पूरे पॉलिनोमियल को आप x माइनस 2 से क्या करो, डिवाइड करो। डिवाइड कर लिया तो आंसर जीरो ही आना चाहिए, ध्यान रखें जीरो आना चाहिए। तो जीरो आने के बाद देखो ऊपर आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया, भागफल क्या आया, 2x² प्लस 1x माइनस 15। अब इसको हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करना है और यहीं से हमें दो रिमेनिंग टू फैक्टर्स मिलेंगे कि बाकी बचे दो गुणनखंड मिलेंगे। तो इसके तीन गुणनखंड में से एक गुणनखंड तो ये है और बाकी के बचे दो गुणनखंड हमें इससे मिलेंगे जब मैं इसको क्या करूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करूंगा। तो जरा आप ये देखें, यही हमारे पास लास्ट है, लेंथ ही दिख रहा है लेकिन जब आ जाएगा तो बहुत चीजें शॉर्ट हो जाएंगी आपके लिए। तो ऊपर लिखा है हमारे पास 2x² प्लस 1x माइनस 15, ठीक हो गया। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के कई सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, तो यहां पर देखते हैं इसको कैसे करना है। पहले 15 को इससे मल्टीप्लाई करो, पहला काम यही होगा, इसको नोट कर लिया होगा तो मैं यहां से रब कर दे रहा हूं, तो ये रब कर देता हूं मैं यहां से। 15 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 30। अब 30 जिस इसके टेबल में आता है वो लिख लेते हैं हम। एक तो 6 5 30 होता है, और भी होते हैं, 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया 30 होता है, फिर और क्या हो जाएगा आपका 10 3 30 होता है। आप ऐसे खूब सारे लिख लो, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें देखो बीच में क्या लाना है, 1 लाना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं ऑलरेडी आप पहले वाली वीडियोस देखो, आपको पता लग जाएगा। बीच में क्या लाना है, 1 1x। तो आपके पास यहां जो जोड़े हैं, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, इन जोड़ों को आपस में घटाओ या फिर जोड़ो, तो देखो आपके पास जो आंसर है 1x आना चाहिए। आप देखो अगर ये 6 और 5 है जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 30 मिल रहा है, अगर मैं इन दोनों को घटा देता हूं, क्या कर देता हूं, घटा देता हूं, पहले तो ये 6 है इसको 6x बोलो, ये 5 है इसको 5x बोलो, और दोनों को घटा देता हूं तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 1x, यही तो चाहिए था। लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता तो मुझे क्या मिलता, 11x, तो मुझे 11x तो नहीं चाहिए था, मुझे 1x चाहिए जो कि इन दोनों को माइनस करने पे आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 2x² है प्लस की जगह प्लस लिखूंगा, 1x की जगह मुझे क्या लिखना है, 6x - 5x, क्या लिखना है, 6x - 5x, और लास्ट में हमारे पास क्या है, 15। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद चीजें हमारे लिए आसान है, कैसे करेंगे, ये जो 2x² है इसको लिख लो 2 × x × x, 6x को लिखोगे 2 × 3 × x, माइनस की जगह माइनस, 5x को लिखोगे 5 × x, माइनस की जगह माइनस, 15 को लिखोगे 3 × 5, ठीक हो गया। अब देखो पहले इन दोनों को देखो, इन दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन दिखाई दे रही हैं, एक जैसी दिखाई दे रही हैं, एक तो x दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, तो ये जो 2x यहां पर भी है और 2x यहां पर भी है,
तो इस 2x को आप क्या करो, बाहर निकाल दो। जब आप इस 2x को बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x प्लस 3, ये बचेगा आपका x प्लस 3। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक हो गया। अब ये माइनस का ये माइनस उतार दो यहां पर। अब इन दोनों में देखो क्या चीजें कॉमन दिखाई दे रही हैं, 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 5 बाहर रखना पड़ेगा हमें। अब जैसे ही तुम ब्रैकेट लगाओगे तो एक बात का खास ख्याल रखें, क्योंकि यहां माइनस है और इस माइनस को तुम यहां उतार चुके हो, तो अब ब्रैकेट में जो भी चीज लिखोगे उसके जो साइन होंगे, चिन्ह होंगे, वो पहले वाले चिन्ह से बिल्कुल उल्टे होंगे। क्या क्या बचा पहले तो ये देख लो, यहां से क्या बचा x, यहां से क्या बचा 3, पहले इसके आगे क्या साइन था माइनस, तो अब क्या हो जाएगा प्लस, और यहां से जो बचा है उसको उतार दो x। इसके आगे पहला क्या साइन था माइनस, अब क्या हो जाएगा प्लस, और क्या बचा है 3। अब प्लस लिखने की यहां पर जरूरत नहीं है, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको और इसको देखो, इन दोनों में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रहा है यहां पर x प्लस 3 और यहां पर भी x प्लस 3 है। तो अगर मैं x प्लस 3 को बाहर निकाल लेता हूं क्योंकि कॉमन है, तो ये तो बाहर आ चुके हैं, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 2x माइनस 5, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 2x माइनस 5। तो अब आपके पास देखो कि यहां पर दो और चीज आ गई हमारे पास, एक आया x प्लस 3, एक आया 2x माइनस 5। तो इस तरीके से ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है, ये जो बहुपद है, इसके तीन फैक्टर्स निकालने थे। एक फैक्टर तो हमने पहले ही निकाल लिया था, क्या था वो, वो था हमारे पास क्या x माइनस 2। बाकी के जो दो फैक्टर्स हैं वो ये रहे, फाइनली यहां पर आ चुके हैं। क्या है, एक एक है आपके पास x प्लस 3 और दूसरा हमारे पास क्या है, ये है 2x माइनस 5। तो इसके हमें तीन फैक्टर्स निकालने थे जो हमने निकाल दिए हैं, और किस तरीके से लिखना है इसके बाद, वैसे तो यहां पर फाइनल आपका आंसर आ चुका है, लेकिन इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद इस पूरे को फिर से उतारना है, इक्वल टू तीनों के तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखना है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा जो सॉल्यूशन है समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।